आज इधर क्यों इकट्ठा हुआ है हम लूट मार्च के लिए? आगे जो 10 तारीख को इलेक्शन आ रहा है, इसके लिए सभी आम लोगों के मन में भरोसा देने के लिए हम लोग आज पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ वाले और हम मिलकर कर रहे हैं। ये करने से हमारे लोगों के मन में भरोसा रहेगा, कोई भी अशांति नहीं होगा और जो शांति को अशांति करने के लिए प्रयत्न करते हैं उनका मन में डर लगना चाहिए। तो ऐसे हमारा आवाज आकाश तक होना चाहिए कि उनका मन में डर होना चाहिए जो अशांति करने के लिए ट्राई करते हैं। तो हम सारे मिलके ये इलेक्शन को पीसफुली करेंगे, हम और आप मिलके करेंगे और हमारा आम आदमी लोगों को लोग भी हमारे साथ है, सभी मिलके ये पीसफुली और शांति से करेंगे। जय हिंद। आदाब नाजरीन, जैन टीवी में आपका इस्तकबाल है। यादगीर पुलिस की जानिब से 2023 के असेंबली इलेक्शंस के पेश नज़र यादगीर जिला एसपी डॉक्टर सीबी वेदा मूर्ति ने शहर के गांधी चौक में शहर की आवाम को अपने एतमाद में लेने के लिए और असेंबली इलेक्शंस को पीसफुल बनाने के लिए यादगीर की आवाम को हलफ दिलाया कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए वो जिसे चाहे वोट कर सकते हैं, इसीलिए सभी आजादना तौर पर वोट करें। किसी के दबाव या किसी भी किस्म की रिश्वत देकर आपको वोट करने पर मजबूर करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। 10 मई को पुर अमन तरीके से वोटिंग करवाने के लिए यादगीर पुलिस ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। यादगीर की आवाम पूरे इत्मीनान और इत्मीनान के साथ वोट कर सके, इसके लिए गांधी चौक से जूनियर कॉलेज ग्राउंड तक यादगीर पुलिस और नीम फौजी दस्ते के साथ पुलिस परेड कराई गई। ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾರೇ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ನೀವು ದೂರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನಾಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರೇ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಜಯ ಹಿಂದ್.